होना इस समाज में कितना बड़ा पाप है, ये बात पूनम अच्छे से जानती थी। उसे समाज ने बार बार ठुकराया था। उसकी छोटी हाइट के कारण बाकी सभी बच्चे उसे बार बार चिढ़ाते थे। अरे ओ पोनी, किधर चली? मेरी मम्मी तो इस बॉनी के साथ खेलने से मना करती है, नहीं तो हम भी बॉनी बन जाएंगे। बॉनी पूनम के कभी कोई दोस्त नहीं बने। एक तो वैसे ही पूनम बॉनी, और ऊपर से उसके सर पर झाड़ू जैसे बाल। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनकी मौत के बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था। उसकी चाची उर्मिला उससे कभी प्यार से पेश नहीं आती थी। तेरे माँ बाप खुद तो सारी जिम्मेदारियों से भागकर निकल गए और तुझे मेरे गले में बांध गए। उर्मिला सारा दिन पूनम से घर का कामकाज लेती। देखते ही देखते वो बड़ी हो गई और पूनम के चाचा चाची ने उससे शादी करके उसे अपने घर से भगाने की ठानी। सुनिए जी, अब जल्दी से इसकी शादी करवा दो ताकि हमारे सर से बला टले। लेकिन इस बॉनी से शादी करेगा कौन? जो भी अंधा काना लंगड़ा जैसा भी लड़का मिले, इसकी शादी करवा दो। लेकिन पूनम के बौनेपन और झाड़ू जैसे बालों के कारण उसके लिए रिश्ता आसानी से नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज पूनम के चाचा चाची ने दूसरे गांव के एक लंगड़े लड़के उमेश से पूनम की शादी करवा दी। ब्याह कर पूनम अपने ससुराल आई। ससुराल में उसकी जेठानी थी जो लंबे कद वाली और सुंदर गोरे रंग की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था। पूनम की सास जब भी किसी शादी ब्याह में जाती तो अक्सर अपने साथ अपनी बड़ी बहू को ही लेकर जाती। बड़ी बहू, आज मेरी सहेली के घर पर कीर्तन है, तू एक काम कर, मेरे साथ चल, और तू बॉनी बहू, तू घर के सारे काम करके रखना, समझी? पूनम हमेशा सोचती थी कि उसकी सास उसे माँ का प्यार देगी, लेकिन शादी के बाद तो सब उल्टा ही था। ए बॉनी, जब देखो सारा दिन घर पर पड़ी रहती है, जा जल्दी से जंगल जा और लकड़ियां काट कर ले आ। अगले दो दिन बारिश बताई है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां तो चाहिए ना। रोते हुए पूनम लकड़ियां लेने जंगल जाती है। वहां उसके बाल झाड़ियों में फंस जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहां फंस गई, मेरे बाल बहुत दुख रहे, इन गंदे बालों ने मुझे परेशान कर दिया है, भगवान मेरी मदद करो। तभी पेड़ की जादुई शक्तियों से पूनम के बाल झाड़ियों से निकल जाते हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और अपनी शक्ति से किसी के भी बालों को सुंदर बना सकता हूँ। पेड़ अपनी जादुई शक्ति से पूनम के बाल बहुत ही लंबे, चमकदार और रेशमी बना देता है। ये देख पूनम बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। पूनम उन बालों के साथ घर जाती है तो सभी उसके सुंदर बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो वही बॉनी है ना, लेकिन इसके बाल इतने लंबे और चमकदार, ये कैसे हुआ? देखो तो, इन खूबसूरत बालों के साथ ये बॉनी भी कितनी सुंदर लग रही है। घर आकर उसकी जेठानी ने उससे इसका राज पूछा तो उसने उन्हें सब सच सच बता दिया। है जादुई पेड़, फिर तो मैं भी उस जंगल में जाऊंगी। अगले दिन उसकी जेठानी भी उसी जंगल में गई और जानबूझकर उस पेड़ के पास झाड़ियों में अपने बाल फंसा दिए। ए जादुई पेड़, मेरी मदद करो। लेकिन जादुई पेड़ ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गांव वालों को उसके बाल काट कर उसे उन झाड़ियों से छुड़वाया। अब उसकी जेठानी लंबी होकर भी बिना बालों के भद्दी दिख रही थी, तो वहीं पूनम बौनी होकर भी लंबे चमकते बालों के साथ काफी सुंदर लग रही थी। उसे देखकर अब उसकी सास और उसका पति उसे खूब प्यार करने लगे, और आखिरकार पूनम को वो प्यार मिल ही गया जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुँचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण ना निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद, और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूँ उन दोनों को, तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई।
विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब अरे वही, अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा, लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, तो आओ अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहां आते रहेंगे बार बार, इतना टाइम थोड़े ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी अब? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी, पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर। मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा। और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले, सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा, और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब, अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो भैया, आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था, आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी, आ गए आप लोग, थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला? ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, जमीन हमारी तो क्या किसी का भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया, पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते, अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते, खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो ये बैंक का नोटिस है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास।
विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ, तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी, ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला। जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया। लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था।